वेलकम बैक टू देसी टू विदेसी। तो आज है मेरा यूट्यूब चैनल सेटअप पार्ट टू वाला वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं बेसिक चीज़ें क्या यूज़ कर रही हूँ मेरे नए यूट्यूब चैनल के लिए। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है जाके देख लीजिएगा, पहले लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी स्टार्ट करते हैं पार्ट टू। पिछला वाला जो मेरा सेटअप था वो बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली था और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो पहले ये देख लेते हैं कि मैंने क्या खरीदा है। पहला जो आता है वो है मोबाइल गिम्बल ज़ियोन स्मूथ 4। मुझे अराउंड 1000 अंदर ही यहाँ पे मिल गया स्वीडन में। अगर आप इसको अमेजोन इंडिया से खरीदना चाहते हो तो ये आपको 5-6 हज़ार के आसपास मिल जाएगा। मोबाइल गिम्बल बहुत सारे कंपनीज का मिल जाएगा जो कि प्राइस वैरी करेगा, तो आप अपने हिसाब से रिव्यूज वगैरह देख के भी खरीद सकते हैं। सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा, डायरेक्ट जाके आपके लिए भी ईजी होगा। तो ये है इसका इंटरनल पैकेजिंग और इसको मैंने amazon.ac से ऑर्डर किया था, तो इसका क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा amazon.ac का मैं बाद में बताऊंगी आपको। सर्विस कार्ड, तो कुछ इस तरह से ये आता है। चार्जिंग केबल और गिम्बल, इसके साथ ट्राइपॉड स्टैंड, इस तरह से आप इसको रख सकते हैं। इसके पीछे आप देख सकते हैं, इसको ऐसे अटैच करूंगे। अब इसके साथ आपको ये वाला ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आपका कोई सा भी हो, इसमें से जो भी आपने परचेज किया है ज़ियोन स्मूथ 4, तो इसमें कनेक्ट करना है। जैसे आप देख सकते हैं अभी लिख रहा है कि कनेक्ट नाउ, क्योंकि मेरा ब्लूटूथ ऑन नहीं है। तो जैसे ही आप इसको ऑन करोगे, फोन का ब्लूटूथ ऑन करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा आपको। अब देख सकते हैं मैंने सेटअप कर लिया, तो वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है। उसके बाद वो ऐप आपको इंस्टॉल करने के लिए भी बोलेगा, तो उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद उसमें आपको थोड़ा बहुत और फीचर्स मिल जाएंगे शूट वगैरह करने के लिए। तो अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो आप इसका बहुत सारा रिव्यूज वगैरह यूट्यूब में है, देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं आपको बजट फ्रेंडली और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है वो चीज़ आपको बताने वाली हूँ, तो इसका भी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट मेरे लिए है वो मैं आपको बता रही हूँ। मुझे मेन चीज़ चाहिए था इमेज स्टेबिलाइजेशन, जो कि मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं गोप्रो खरीदूँ और या तो मैं एक मोबाइल गिम्बल खरीदूँ। अगर मैं गोप्रो पे जाती हूँ तो मुझे अराउंड 50,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गोप्रो 9 अभी 42,000 आ रहा है और उसके साथ मुझे उसका सारा एक्सेसरीज भी लेना पड़ेगा जो कि मेन एक्सेसरीज होता है। इतना बड़ा इन्वेस्ट मैं नहीं कर सकती हूँ अभी, क्योंकि मेरा चैनल बिल्कुल ही नया है। इमेज स्टेबिलाइजेशन के लिए मुझे कुछ तो करना है, क्योंकि मेरा चैनल जो है ट्रैवल एंड इन्फॉर्मेशन है, कभी कभार मुझे भाग दौड़ करना पड़ सकता है। तो इसके लिए अगर मैं उस टाइम सेल्फी स्टिक से शूट करूंगी तो इमेज बहुत ही ज्यादा शेकी आएगा और अच्छा क्वालिटी आएगा ही नहीं। ये आपके वीडियोस को स्टेबलाइज कर देता है। जब DSLR का भी गिम्बल्स आता है, लेकिन मेरे लिए वो यूजफुल नहीं है, क्योंकि एक तो कैमरा का वजन बहुत होता है, उसके बाद गिम्बल, तो मैं उसको पकड़ के शूट करना मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो मैंने इसको चूज किया। बस ये चीप है और बहुत कॉस्टली है। और दूसरा हो गया कि ये मेरे लिए इजी टू हैंडल भी है, इतना भारी नहीं है, 200 ग्राम है, तो ज्यादा भारी नहीं है ये। और इसके साथ ये जो स्टैंड मिलता है, तो मैं कहीं पे भी जाके इसको ऐसे स्टैंड करके बात कर सकती हूँ, मतलब वीडियो फुटेज वगैरह ले सकती हूँ। मैं आपको बेसिक आइडिया दे रही हूँ इसके लिए। तो आप लोग अगर GoPro में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा बजट ले रहा है, तो आपके लिए ये एक ऑप्शन हो सकता है। आपको ये 2000-3000-4000 से स्टार्टिंग प्राइस से मिल जाता है, तो मुझे लगता है ये एक सही ऑप्शन है अगर आप नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो। इसके साथ आपको जो चार्जिंग केबल मिलता है, इसको अगर आप एक बार चार्ज कर दो तो ये 17 आवर्स तक रहता है इसमें चार्ज, तो ये एक सही चीज़ है। अब आता है दूसरा प्रोडक्ट, सैमसंग बर्ड्स प्लस। इसको मैंने इसलिए खरीदा था क्योंकि मैं माइक खरीदना नहीं चाहती थी। इसमें नॉइस कैंसिलेशन ऑप्शन है, 3 सेटिंग्स आपको मिलता है नॉइस कैंसिलेशन के लिए, तो मुझे लगा ये मेरे लिए सही होगा। माइक का भी काम देगा और नॉइस कैंसिलेशन रहेगा, तो विंड स्पीड जो यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है उससे मुझे थोड़ा सा मुक्ति मिल जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये मेरे लिए पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो कि थोड़ा वेस्ट निकला। YouTube के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, YouTube के लिए आपको माइक ही लेना पड़ेगा। इस तरह से है ये। ट्रस्ट मी, मैंने इसको 1 महीने पहले खरीदा था, यूज़ में इसको कर रही हूँ
और ये इतना चार्ज भी नहीं मांग रहा है, मतलब एक ही बार मैंने अभी तक चार्ज किया था, लेकिन ये मेरे YouTube के लिए कोई काम का नहीं है। मुझे लगा था कि नॉइस कैंसिलेशन है तो बहुत, मतलब 80% नॉइस कम हो जाएगा विंड्स वगैरह का, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत कम हो रहा है लेकिन डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो ये आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकते हैं एज ए हेडफोन, लेकिन मैंने जिस थॉट से खरीदा था कि माइक और हेडफोन दोनों का काम देगा, नॉइस कैंसिलेशन कर रहा है तो मतलब आउटसाइड वॉइसेस से वो नहीं आएगा, इसके लिए नहीं है ये। आप बोल सकते हैं नॉइस कैंसिलेशन नहीं, नॉइस रिडक्शन है, जो कि भी आप बोल सकते हैं 50% है, तो YouTube के लिए ये नहीं है। और लास्ट वीडियो में मुझे कुछ एक क्वेश्चन आया था कि सेल्फी स्टिक से हम लोग वीडियोस कैसे बनाएं, थोड़ा सा DIY करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब आसपास कहीं घूमती रहती हूँ वीडियोस वगैरह लेती रहती हूँ, तो इससे आप फोटोज के अलावा वीडियोस भी बना सकते हैं, लेकिन आपको मैन्युअली ऑन ऑफ करना पड़ेगा अपने फ़ोन से, लेकिन ये हैंडी है तो आप पॉकेट में डाल के ले जा सकते हो और ऐसे थोड़ा सा डिस्टेंस में बना सकते हो तो बैकग्राउंड अच्छा आता है, तो इसलिए मैंने बोला था कि इससे भी आप वीडियो बना सकते हो, लेकिन वीडियो ऑन ऑफ आपको अपने फ़ोन से ही जाके करना पड़ेगा, इससे कुछ भी सेटिंग्स नहीं है। जो दूसरा वाला मैंने दिखाया था उसमें जॉयस्टिक है, तो आपको मैन्युअली ना करके उस जॉयस्टिक से ऑपरेट करना ईजी हो जाएगा, उससे भी आप उसी तरह से वीडियोज़ बना सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो जिन्होंने भी मेरा फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है अभी तक, जाके वो वाला भी देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या खरीदना है, क्या क्या नहीं खरीदना है और क्या कैसे सेटअप करना है। और आज भी मैंने जो चीज़ आप लोगों को दिखाई, जैसे कि गिम्बल हो गया, एयरपोर्ट हो गया, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, मैं GoPro का भी एक लिंक डाल दूंगी, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, प्राइसेस वगैरह कंपेयर कर सकते हैं और ला सकते हैं आपके लिए जो भी सही होगा। आज का भी वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो भी मुझे बताइएगा नीचे कमेंट्स में, और आप क्या जानना चाहते हैं वो भी मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पहले ही मेरे YouTube फैमिली में हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।